بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما تحب وترضى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم الا بستم الا عشرا कयामत दे दिन असी मुजरमीन नू इकट्ठा करांगे उन्हां दीआं अखां नीलियां और पीलियां होणगीआं और आपस च गल्लां करनगे असी दुनिया ही सिर्फ 10 दिन ठहरे हैं। सामईन मुहतरम, अल्लाह पाक दी हमदो सना तो बाद दरूदो सलाम इमामुल हरामैन सैयदुस सकलैन इमामुल मुरसलीन रहमतुल्लिल आलमीन पूरी कायनात के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। मुजरम लफज जेड़ा है ये जारामा दे विच है, जीम रा मीम जारम। जारामा दा माना हुंदा है किसी चीज नूं नंगा करना। मसलन गोश्त खाधा ना, बोटी खाधी विचों हड्डी जिहड़ी सी उत्तों गोश्त खा लिया, हड्डी नंगी निकल आई। इहनूं आंदे ने जारम अल अज़्म, उहने हड्डी नूं नंगिया कर दित्ता। तो लफ्ज़े मुजरम दी डेफिनेशन की है कि जिहड़ा इंसान किसे दा हक छीन के हक वाले नूं उहदे हक तों नंगा करदा है, उहनूं अरबी च मुजरम आंदे। अगर दुनिया दे अंदर रह के किसी भाई का हक मारिया, भैन का मारिया, बेटी का मारिया, यार दोस्त का मारिया, कयामत दे दिन अल्लाह की अदालत चो हक देना पैना है, उत्थे नमाज़े तहज्जुद काम नहीं आनी, उत्थे नेकियां काम नहीं आनियां। कई थे दुनिया च अगर किसी की एक गेट जमीन ते नजायज कब्जा करके बैठे आ ना, कयामत नू जहन्नम की अग दे 7 तौक बना के गले च लटका दिते जाणगे। दुनिया का सफर आरजी, अगे जिहड़ा सफर है ना वह अबदी। उस सफर दियां वाटां बड़ियां लंबियां ने, पेंडे बड़े डूंगे ने। आपने फरमाया सी अबू ज़र जद्दी दी सफीनता फइन्नल बहर अमीक। अबू ज़र अपने अमलां दी कश्ती तैयार कर लै, आखरत का समुंदर बड़ा डूंगा। उहदा पहला दिन 50,000 साल का दिन होना और इतना हौलनाक दिन है, सूरज सवा नेजे ते आ जाए। हुण सूरज किन्नी दूर है? 26 करोड़ 9 लख 9 करोड़ 26 लख मील दूर है। जरा गौर करो ते कितनी तफज फेंकदा पिया, कितनी गर्मी होंदी। ते जदों एक मील दे फासले ते आएगा फिर इहदी गर्मी दी शिद्दत कैसी होएगी?
जमीन तांबे दी होएगी। हुफातन उरातन गुरलन, पूरी कायनात पैरा तो नंगी जिस्मा तो खाली बेखतरा लोग होंगे। सूरज सिर ते अग बरसा रहा है, जमीन तांबे दिए, पैर जुती तो खाली ने, बदन कपड़िया तो खाली ने, फिर की बनेगा? कोई गिटिया तक पसीना है, किसी नु गोडिया तक, किसी नु मोडिया तक, कोई पसीने च आप ही गोते खा रहे, लेकिन बंदा की कहेगा? बंदा कहेगा अल्लाह इस पसीने की बदबू बड़ी भैड़ी है, पसीने तो जान छुटा दे, बेशक जहन्नम जी सुट छड़। यानी उस पसीने की बदबू इतनी भैड़ी है। और वो कयामत का दिन, यौम यफिर्रु अल-मर्उ मिन अखीही व उम्मीही व अबीही व साहिबती व बनी, ना मां ने कम आना है, ना बाप ने, ना बीवी ने, ना बच्चिया ने, ना भैन भाइया ने, ना रिश्तेदार ने, किसे भी तेरे नेड़े नहीं लगना। अज उस आखरत नू छड़ दिता है ते दुनिया के पिछे पै गया। हुण आने रात नू अगर 5 लाख दिन चढ़ दिया नू 10 लाख हो जाए, एक मकान है 2 हो जाए, 2 होंदे ने कभी 5 हो जाए। अलहाकुम तकासुर हत्ता जुरतुमुल मकाबिर, ढिड नहीं भरता, बंदा कबरे जा पैंदा है, फिर कबर दी मिट्टी तेरा ढिड भरे। दुनिया का माल जिन्ना मर्जी इकट्ठा कर लो, अगर हराम इकट्ठा किया, मौजा तेरी औलाद ने करनिया ने, हिसाब तेनू देना पैना। क्यामत का दिन इतना दहशतनाक दिन है, कुरान उसका नक्शा खींचता है। फिर फरमाया या अय्युहन नास इत्तकू रब्बकुम इन ज़लज़लतस्साअते शैयुन अज़ीम यौम तरौना तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़ऊ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमला व तरन्नासु सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद। ऐ दुनिया दे लोगो, अपने रब दे कोलो डर जाओ, और कयामत दे जलजले कोलो डर जाओ। कयामत दा जलजला किन्ना अजीम है। फरमाया दुध पिलान वाली अपने दुध पिलाए हुए बच्चे नूं भुल जाएगी, हामिल याफ्ता औरतां दे हमल गिर जाएंगे, लोकां नूं नशे दी आलच वेखोगे, लोकां ने नशा नहीं कीता होएगा, तेरे रब दियां दहशतां इन्नियां सख्त होणगियां, लोकी जापण दे जिवें नशई पाउंदे फिरदे ने। हुण कुरान दा एक और मुकाम सुनिए। अल्लाह फरमाते ने अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयाती दुनिया वल बाकियातु सालिहात खैरुन इंदा रब्बी का खैरुन इंदा रब्बी का सवाबं व खैरुन अमला। माल कम नहीं आना, माल केड़े ने काम आना जेड़ा मसीते लग जाना, माल केड़े ने काम आना जेड़ा अल्लाह दे राज लग जाना, गोराबा मसाकीन ते जेड़ा खर्च कीता जाना, ते जेड़ा पिछे बच जाना तेरे कफन भी मैला नहीं होना, साइयां पहलू वंडियां पा लेनी, ते हराम कट्ठा करके जाएगा, हिसाब तू देना, औलाद तेरी ने मौजा करनिया ने। अल मालु वल बनून, औलाद भी कम नहीं आएगी, अगर बच्चा हाफ़िज़े कुरान दीन दा आलिम है, तेरे मरण तो बाद तेरा बेटा दुआ करेगा, अल्लाह तेरा जन्नत च दर्जा बुलंद करदा जाएगा।
हाफज अब्दुल मन्नान वजीराबादी होंगे सर ना रहमतुल्ला अलैह मुहद्दिसे पंजाब जिन्होंने कहा जाता अखां तो नबीने सन ते प्यो ने नबीना समझ के दाखिल करा छड़िया कोई दो चार सूरत याद कर लेगा ते मजूर आदमी कि नमाज हुण बाप दी जाने भला इन्हें बुखारी मुस्लिम अबू दाऊद तिरमिज़ी इब्ने माजा सारी सियासी थे हिफ़्ज़ कर लड़ी कुरान भी हिफ़्ज़ अगो शगिर्द कौन बने सैयद दाऊद गजनवी मौलाना इस्माइल सलफी हाफिज मुहम्मद गोंदलवी रहीमहुल्लाह अकाबिर शयूख इन्हां दे शगिर्द से बाप दुनिया तो मरिया ते ख्वाब च बाप मिलिया पुत्र अब्दुल मन्नान कुरान तू पढ़ना जन्नत च दर्जे मेरे वदन डए ने इहदा मतलब है बच्चा कुरान पढ़े ते मां बाप दा दर्जे जन्नत च बुलंद हुंदे ने इन्हां बच्चियां नूं दीन पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ औलाद तां कम आएगी जे नेक है मरण तो बाद ये दुआ करेगी इन्हां दीन पढ़िया कुरान पढ़नगे कुरान सुनानगे ते तेनू सवाब दा टीसीएस कयामत तक कबर च पहुंचदा रहेगा बोलिए बच्चियां नूं हाफिज बनाओगे माल और औलाद नबी पाक ने दुआ नूं फरमाया इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना माल भी फितना औलाद भी फितना जिदे को माल आ जांदा है उहदी धौण च एडा लम्मा सरिया आ जांदा है वह फिर किसी भरा नूं भरा ही नहीं समझदा भैण नूं भैण ही नहीं समझदा वह गरीब भरा नूं ते भरा मंगदा ही नहीं ना ते भैणां ते विचारियां डरदियां वरदियां नहीं साडे भरा को माल बड़ा है पता नहीं किस मूंह ना बोलेगा सरिया चो वड़ गया धौण च की भरा आ गया फरमाया माल कम नहीं आएगा औलाद कम नहीं आएगी आएगा की वल बाकियात सालिहात नेक अमल नेक अमल की है नमाज है नेक अमल की है जिक्र अस्कार है नेक अमल की है रब दा कुरान पढ़ो ये नेक अमल ही ने सारे तौफीक हज करो तौफीक उमरा करो माल औलाद कम नहीं आनी अगली ऐ सुनो अल्लाह फरमाते ने वयौमा नुसय्यिरुल जिबाल व तरल अर्ज़ बारिज़ा वहशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा अल्लाह देने फरिश्ता मुकरर है उदा ना इसराफील है ऐसरा सामने उन्हें करना रखी है सज्जा गोडा मूंदा मारे है कानो दा रहमान वाले यही उदी नमाज है अल्लाह ने आर्डर करना ने उस करना अज फूक मारनी है समुंदरा दे विच अगां लग जाणगियां दरियावां दे पानी अग बन जाणगे ऐ वड्डियां वड्डियां इमारतां जिहड़ियां ने बिलकुल जमीन दोज हो जाणगियां कोई पहाड़ कोई इमारत कोई चुबारा कोई मकान कोई पलाजा तेनु जमीन दी धरती ते नजर नहीं आएगा कुरान अंदा वातारल अर्ज़ा बारिज़ा जमीन चटियल मैदान बन जाएगी ते कोई इंसान भी बाकी नहीं जिनू असी छड़ांगे असी सारियां नू अपने दरबार च कठिया कर लवांगे ते जदों अल्लाह दे दरबार च पेश होना है उदो साडे सारियां दी हालत की होनी है फरमाया वा उरीसु अला रब्बी का सफा लकद जे तुम न कमा खलक नाकुम अव्वल मर्रतिम बल जअम तुम अल्लन नज अलकुम मौइदा जदो अल्लाह दे दरबार च पेश होवोगे लक्को नंगे ते गलों भी बोलो अव्वल मर्रा जिवें पहली मर्तबा मां दे शिकम चो दुनिया ते नहीं आया ते जदो मां दी हदेर कोठरी चो दुनिया ते होना लक्को गलों नंगा हथों पैरों खाली ते जदो कबर दी हदेर कोठरी च जाना है बोलते नहीं वह तो दो गज जिहड़ा कपड़ा है वह तो तेरे शर्मगाह नूं ढकण वास्ते दुआले लपेटना है वह भी किसी नूं नसीब हुंदा किसी नूं नहीं कफन च भी शक के कबर च भी शक के मौत बरहक के मौत ते आउणी आउणी है
अल्लाह आए भी खाली ते जाना भी ते नेर कादा चुकिया औदा भी प्लाट हजम औदा मकान हजम औदी दुकान ते कब्जा किसे दी जमीन ते कब्जा यही नेर है ना ये सारा कुछ कबर च किसे नार रखने बंदे आ तू अपनी औकात नू पहचान ले कबर वाली ओस काली रात नू पहचान ले बंदे आ तू अपनी जिन्ना नल टुर दास है तू हिक तन के अज कबरानू ले चले तेनू जाजी बन के उठ जरा लाड़िया बरात नू पहचान ले समझ आउन डई जे के कोई ना चोपी हो गयो ना हू ना तू ना सुभान अल्लाह तुसी भी सारे अल्लाह भी जिंदाबाद उठ जरा लाड़िया बरात नू पहचान ले कबर वाली ओस काली रात नू पहचान ले जिन्हां वास्ते माल कठा करने आ ला के हुदार तेरा ए यार तेरे चले नी मिट्टी दिया बुका तेरे मुंह ते मार चले नी ला के हुदार तेरा ए यार तेरे चले नी मिट्टी दिया बुका तेरे मुंह ते मार चले नी तेरी ए औकात औकात नू पहचान ले साडे सारयां दी औकात ए ही है ना बोलदे ने भावे को खतीबे पाकिस्तान है भावे को वजीरे आजम है औकात ते पिछो है ही अगली गल सुन वाली तेरे पिछो औलाद तेरी पानिया ने फंडिया माल तेरे दिया फिर पैनिया ने वंडिया कफन दी उस चिट्टी जई सुगात नू पहचान ले तेरे पिछो तेनू किसे याद भी नहीं करना तेरी आई दोस्ता फिर किसे भी नहीं मरना मौत दी अनोखी जई वारदात नू पहचान ले बंदे आ तू अपनी मेरे भाईओ माल इथे रह जाना अल्लाह दे दरबार च पेश होना है हजरत अम्मा जी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने महबूब जी तुसी फरमांदे हो मर्द भी नंगे औरतां भी नंगियां होणगियां यनज़ुरु बाज़ुकुम इला बाज़िन महबूबा कोई किसे दी तरफ नहीं वेखेगा औरतां मर्दां दी तरफ मर्द औरतां दी तरफ फरमाया आयशा किवें दियां गल्लां पई करनी है तेरे रब दियां दहशतां इन्नियां सख्त होण गिया कोई किसे दी तरफ देख नहीं सकेगा औरतां भी नंगियां मर्द भी नंगे एक मनवांदा हां अपने अपने पीरां दा लड़ फड़ के वड़ जाना जन्नत च ते भाभीओ तुहां उत्थे वेंदिया रहना मैं क्या लड़ होएगा ते फड़ेगा उत्थे ते सारिया नंगिया होना तू केड़ा लड़ फड़ना वे बोलो ते सही ना भाई लड़ होएगा ते फड़ेगा सब तो पहले लिबास हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम नु पहनाया जाना है ते दूसरे नंबर दे उत्ते लिबास आमीना दे लाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु पहनाया जाना है उत्थे लड़ भी मेरे नबी दा होना है हौज भी मेरे पीर दा होना है झंडा भी मेरे पीर दा होना है ते सिफारशां भी उत्थे मेरे पीर ही करनियां ने नबी दी शफात दी वजह तो 4 अरब 90 करोड़ बंदा बगैर हिसाब तो जन्नत च जाना है
अल्लाह जिन्हें अज तेरे घर चाहे ने ना इन्हों की साफ चेना भी शामिल कर ले, तेरिया बंदियां आईया ने इन्हों भी शामिल कर ले। सुबहान अल्लाह। ए बावजूद भी आका फरमान गए अल्लाह उम्मत बहुती है बंदे थोड़े ने, क्योंकि मैदाने मैशर दे अंदर 120 सफा टोटल होनिया ने सारी कायनात दियां, 40 सफा 1,24,000 अंबिया दियां उम्मतां दियां, ते 80 सफा कल्ले साडे महबूब दी उम्मत दियां। आका फरमान गे अल्लाह उम्मत बहुती है बंदे थोड़े ने, अगो जवाब आएगा वला सौफा युती का रब्बू का फतरजा, सोनिया आज जिवें कहेगा असी ओवें ही तेनू राजी कर देंगे। उथे वेख लो साडे पीर ही काम आउणा है, जिन्ने पीर ने ना वारा सारे सिर पीड़ी ने, ते फिर भी सानू आंदे ने ओए बेपीरे ही लगे फिर देने ना दी गल छड़िया करो, तुसी इन्हां नू ना वेख्या करो ए बेपीरे ने ना पीर ही कौन है। करो मुशरकां दे मुलाहजा वतीरे सानू आख देने वहाबी बेपीरे, किसे पास इना नू मिलनी टोई नहीं, इना बेपीरां दा पीरी कोई नहीं, गलत कारां दा गलत ए बयाने, कन ला के सुनो साडा इलाने, ओ जिदी दुनिया उते न मिलदी नजीरे, साडा पीर लोको पीरां दा पीर, जहानो अनोखा बड़ा ई न्यारा, जिदा नामे नामी मुहम्मद प्यारा, मुजम्मिल मुदसर बशीरो नजीरे, असी आ मुरीदो दे ओ साडा पीर। और जनाबे उची कह दियो जनाबे मुहम्मद रसूल, जिन्हां नूं आका ना प्यार है कह दियो सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम। आइए मैदाने मैशर बपा, आए मेरे पुत्रा बह जा थले बह जा, आइए अल्लाह गौर कीजिए, मैदाने मैशर बपा आए, मैदाने मैशर जेड़ा है वह बपा आए, तवज्जो मेरे वल, सारियां नूं अपनी अपनी पई है, सारियां नूं अपनी अपनी पई है, उथे काम आउणा है ते आमिना दे लाल ने आउणा है, कोई उथे काम नहीं आएगा। हजरत अम्मा जी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा एक दिन हुजरे च बह के रोई जांदियां ने, अल्लाह दे रसूल अचानक आ गए, वेखे आयशा जारो कतार पई रोंदी है, आयशा मायूब की के या आयशा, आयशा तेनू अज केड़ी चीज ने रवाया। अम्मा जी फरमांदियां ने महबूब जी जकर तुनार, अज मेनू बैठिया बैठिया जहन्नम दी अग याद आ गई, ते मैं जारो कतार रोन लग पई। असी भी कदी रोए आ अलैदगी च बह के ना, कदी आंसू बहा लिया करो। नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा अलैदगी च बह के गुनावां नू याद करके रोंदा है ना, कियामत नू अल्लाह इस बंदे नू अपने अरश दा साया देगा। तीन हदीसा सुन लो, तीन। पहला बंदा वो है जिहड़ा गुनाहां नूं याद करके इन्ना रोंदा है उहदे आंसू रुखसारां नूं टच हो के जमीन ते डिग पैंदे ने, उधरों आवाज आउंदी है जा अज तों बाद तेरे ते जहन्नम दी अग नूं हराम कर छड्डिया। सुभान अल्लाह। ते दूसरा बंदा किहड़ा है जिहनूं रोण नहीं आउंदा, बड़ी कोशिश करदा, औख्या सौख्या हो के इन्ना कु कतरा कढ़िया जिन्ना कु मक्खी दा सिर, मक्खी दा सिर वेख्या जी, मक्खी दे सिर जिन्ना कतरा कढ़िया, आवाज आउंदी है मेरे बंदे जेड़ी जहन्नम दी अग समुंदरां दरियावां नदी नालियां दे पानी पाया जिदा एक अंगियारा नहीं बुझदा, जेड़ा मेरे कोलो डर के कतरा कढ़िया ही, मैं इन्ने को कतरे ना तेरे ते जहन्नम दी अग नूं ठंडा कर देना वा। ते तीसरा बंदा केड़ा है भाई, आवाज थोड़ी जी घटा लो यार। तीसरा बंदा केड़ा है जिन्हों रोण नहीं आउंदा, गुनाह कर करके दिल सख्त हो गया है, अल्लाह ने चल नहीं आउंदा, बड़ी कोशिश की थी है। रोण वाला मुंह ही बना लै
ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਮਾਫੀਆਂ ਦੇ ਕਲਮ ਫੇਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇਕੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿਆਂ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਾਲਿਕ ਕੋ ਵਿਖਾਓ ਹੈ ਜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੀ ਯਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਦੀ ਜਹਨਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਇਆ ਵੀ ਕਰੋ। ਹਰ ਵਕਤ ਕਾ ਹੰਸਨਾ ਕਹੀ ਤੁਮੇ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰ ਦੇ, ਤਨਹਾਈ ਕੇ ਲਮਹੋਂ ਮੇ ਬੈਠ ਕਰ ਕਭੀ ਰੋ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰ। ਅੱਲਾਹ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਰੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤਾ ਪੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਰੋਏਗਾ ਮੁੱਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ, ਹਲ ਯਜ਼ਕੁਰੂਨਾ ਅਹਲੀ ਕੁਮ ਯੌਮਲ ਕਿਆਮਾ, ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਹਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਇਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਭਈ, ਲਾ ਯਜ਼ਕੁਰੂ ਅਹਦੁਨ ਅਹਦਾ ਫੀ ਸਲਾਸਤ ਮਵਾਤਿਨ, ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਐਸਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਲਾ ਯਜ਼ਕੁਰੂ ਅਹਦੁਨ ਅਹਦਾ, ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਦਲ ਕਿਤਾਬ, ਜਦੋਂ ਨਾਮਾ ਅਮਾਲ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਚ ਫੜਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਦਾਨੇ ਮੈਸ਼ਰ ਚ ਲੰਮੀ ਕਿਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਕਿਤਾਰ ਚ ਨਬੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਵਲੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਬਦਕਾਰ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਤਹੱਜਦ ਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਚ ਨਾਮਾ ਅਮਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇਗਾ ਹਾਊ ਮੁਕਰਾਊ ਕਿਤਾਬੀਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਯਾਰੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮਾ ਅਮਾਲ ਪੜੋ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਨੰਤੋ ਅੰਨੀ ਮੁਲਾਕਿਨ ਹਿਸਾਬੀਆ, ਮੈਂ ਗੁਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮਾ ਅਮਾਲ ਸੱਜੇ ਹਾਚੀ ਮਿਲਣ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬਾਦ ਨਸੀਬ ਕੌਣ ਨੇ? ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਚ ਨਾਮਾ ਅਮਾਲ ਮਿਲਣਾ। ਵਾਮਾ ਮਨ ਊਤੀਆ ਕਿਤਾਬ ਹੂ ਬਿਸ਼ਮਾਲ ਹੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਕਹੇਗਾ ਯਾ ਲਈ ਤਹਾ ਕਾਨਤ ਇਲ ਕਾਜ਼ੀਆ, ਅੱਜ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਲਾਕਾ ਅੰਨੀ ਮਾਲੀਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾ ਅਗਨਾ ਅੰਨੀ ਮਾਲੀਆ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਲਾਕਾ ਅੰਨੀ ਸੁਲਤਾਨੀਆ, ਮੇਰੀ ਸਲਤਨਤ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਖੁਜ਼ੂ ਹੋ ਫਗੁੱਲੂ ਹੋ ਸੁਮਲ ਜਹੀ ਮਸੱਲੂ ਹੋ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵੋ, ਸੱਤਰ ਸੱਤਰ ਹੱਥ ਲੰਮੇ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਚ ਜਗੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮਾਲ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਬੋਲੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਕਹੇਗਾ ਮਾ ਅਗਨਾ ਅੰਨੀ ਮਾਲੀਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਲ ਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਾਲ ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਲੱਗਣਾ, ਮਦਰਸਾ ਬਣਾ ਜਾਣਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਯਤੀਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਮਸਾਕੀਨ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਖਰਚ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਦੋ ਗਰੋਹ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ। ਅੱਗੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਇੰਦਲ ਮੀਸਾਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰਾਜ਼ੂ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੀਸਾਨ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਲੜਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਸੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੱਤੇ ਆਸਮਾਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਹਿਣ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਲੜੇ ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤਰਾਜ਼ੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਬਰੀਲ ਮੁਕਰਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਬਰੀਲ ਨੇ ਉਹ ਤਰਾਜ਼ੂ ਚੁੱਕਣਾ। ਜੇ ਜਬਰੀਲ ਉਸ ਤਰਾਜ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਡੱਠੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਬਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਅਰਸਲਨਾ ਕਾ ਸ਼ਾਹਿਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਦ ਬਣਾਇਆ, ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ।
गवाह किनू आंदे जिहड़ा तस्दीक करे, तस्दीक करन वाले नू गवाह कहा जांदा। आका बैठे ने इधरों उमती आएगा अपनी नमाज लैके दौड़िया दौड़िया, नबी ने नमाज वेखनी है ते तस्दीक करनगे इहदी नमाज मेरी सुन्नत दे मुताबक है। जिबरील उस नमाज नू फड़ के तराजू च रख देगा। जे दुनिया च हनफी नमाजा ही पढ़ के टुर गए बोलते नहीं, ओदी तस्दीक ते फिर इमामे अबू हनीफा ही करेगा, आका नहीं करनी। आका ने उस नमाज की तस्दीक करनी, सलू कमा रही तो मूनी हो सली। जिस बात ते मोर नहीं नबी दी, उस बात दा लगदा रेट कोई नहीं। हनफी नमाजा पढ़ने वालो और साढ़े भाईओ नमाजा जाया ना करो। हजरत ज़ैफा नबी दे सहाबी ने एक बंदे ने नमाज पढ़ी काली काली, रुकू तो सीधा नहीं होता, ठा सजदे ते सजदा। आपने फरमाया उरा है उरा इर जे फसल ले नमाज दोबारा पढ़। उन्हें फिर उवी पढ़ी, फिर गया दोबारा पढ़, फिर उवी पढ़ी। हुज़ैफ़ा ने नमाज कदों तो पढ़ रहे हैं, आंदा 40 साल हो गए ने। फरमाया 40 साल तू एक नमाज भी नहीं पढ़ी। मैं मस्जिद वड़ के वुजू करके कुरान फड़ के कहांगा। हनफी भाइयो पूरी पूरी जिंदगी हनफियत नमाज दी, तबलीग करने वालों हनफी नमाज पढ़ने वालों, मैं कुरान फड़ के बात कहांगा बैतुल्ला च जाके, थोड़ी एक नमाज भी अल्लाह की अदालत च काबले कबूल नहीं। क्योंकि मुहम्मदी नमाज सानू आका दे के गए ने, हनफी नहीं। कोई जाके हनफी हज करता है, हनफी उमरा करता है। मैं एक मौलवी ने पूछा मैदान अरफात च मिनाच, वो जिस खेमे च मैं हाँ उसकी किस्मत मारी वह भी उसी खेमे च आ गया, उन्हें हनफी हज का प्रचार शुरू कर दिता, मैं मुहम्मदी हज का प्रचार शुरू कर दिया। मैं कहा तेन शर्म नहीं आती कलमा नबी का पढ़ के हनफी हज दसना पाया। जालमा इतने मैदान मैशर लगना ही, नबी नू कहना मुंह विखाएगा। जिबरील ने हनफी नमाज नहीं रखनी तराजू च, यह गल लिख के लै जाओ, मुहम्मदी नमाज रखनी। जिस बात ते मोर नहीं नबी दी, उस बात दा लगदा रेट कोई नहीं। है डाफस है साडा मक्का मदीना, होर कोई दूजा दुनिया ही साडा अस्टेट कोई नहीं। अल्लाह दी जात तो बाद इस जहान अंदर नबी दी जात तो वद के किसे दा ग्रेट कोई नहीं। नबी दी इतात बिना पसरूरी कियामत नू खुलना जन्नत दा गेट कोई नहीं। नारे तकबीर हक अली हदीस इन ओ ये जिहड़ा पैगंबर दी ज़बाने नबूवत चो निकलिया। किसे मौलवी किसे इमाम किसे पीर किसे मुफ्ती दी बात दीन नहीं। असी दीन मनांगे ओदे ते मोर मदीने वाले मुस्तफा दी अमाई दा दुध चोने आ ना, ओदे अंदर नहर दा पानी पा दे, दुध खालस रहेगा। तुसी इंज चुप हो जिवें पांदे हो, बोलो ते सही। मस्जिद दीआं टूटियां तो पाओ दुध खालस नहीं, ड्यू मरिंडा पा दे फिर भी खालस नहीं, जम जम पा दे फिर भी खालस नहीं। दुध ओ ही खालस है जिहड़ा मज दे थना चो डायरेक्ट निकलिया है, ते दीन ओ ही खालस है जिहड़ा मुहम्मद दी ज़बाने नबूवत चो डायरेक्ट निकलिया है। बाकी सब नदीन असी नी दीन मनदे, मनवाना ते मोर मदीने चो लैके आओ फिर साडी गर्दन झुक जाएगी। मीजान तराजू लगेगा। तीसरी जगह इंद सिरात पुल सिरात, जेड़ा वाल नालो बरीक है तलवार दी धार नालो तेज है। सब तो पहले उस पुल नू अबूर करना है, ते मेरे तेरे पीरो मुर्शद ने करना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका पुल पार करके अगे खलोणगे ते पता की कहणगे, रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम, अल्लाह मेरी उम्मत नू सलामती ना पार नगा दे। वो को पीर एवें दा लियाओ ते सही, जिन्हू कदम कदम ते तुहाडा फिकर होए। कई बंदे अख चमकल दी तरह पुल सिरात पार कर जाणगे, कई उठते डिगते पार होणगे, ते कई घोड़िया वांगू नस के पार होणगे,
ਤੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਚ ਸੁੱਟਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਚੜਨਗੇ ਥੱਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਉਹ ਮੋਮਿਨਾ ਛੇਤੀ ਨੰਗ ਜਾ ਤੇਰੇ ਨੂਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਕਰ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਇੰਦਲ ਕਿਤਾਬ ਇੰਦਲ ਮੀਜ਼ਾਨ ਇੰਦਲ ਸਿਰਾਤ ਇਹ ਤਿੰਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਦਾਨੇ ਮਹਿਸ਼ਰ ਲੱਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁਜਰਮ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਮੁਜਰਮ ਆਖਿਆ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਯਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਦੋਸਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਕੁਰਾਨ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਖਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੱਕ ਸੀ ਇਬਾਦਤ ਇਹਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੁਜਰਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਚ ਆਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ 50,000 ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਵੜਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 50,000 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਵਸ ਗਿਆ ਤੇ 50,000 ਸਾਲ ਤੇ ਗੁਨੰਗ ਹੈ ਕੋਲ ਦੀ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖੜੇ ਨੇ ਨਬੀ ਵਲੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰੇਆਮ ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਇਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਲਮਲ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਢੀਂਗਰਾਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੋ ਲੀਰ ਲੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਵੇਂ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਰੂਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾ ਸਵਦਾ ਕਵਲਾ ਸੱਲਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸਦਕਾ ਕੀਤ ਇਧਰੋਂ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਲਾ ਲਕਫ ਔਲਾ ਸੁਮਾ ਔਲਾ ਲਕਫ ਔਲਾ ਮੁਹੱਦਸੀਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰ ਲਾਨਤਾਂ ਰੱਬ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਗਲੀਜ਼ ਤਰੀਨ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਟਾਟ ਨੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਚ ਲਪੇਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਖੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਿਜੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ ਪੀਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਗੁਸਲ ਨਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਕਫਨ ਨਾ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਾ ਪੜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚ ਦਫ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਅਕੀਮਿਸ ਸਲਾਤ ਵਲਾ ਤਕੂਨੁ ਮਿਨਲ ਮੁਸ਼ਰਕੀਨ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ ਮੁਸ਼ਰਕ ਨਾ ਬਣੋ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਕ ਬੈਨਲ ਅਬਦੀ ਵਾ ਬੈਨਲ ਕੁਫਰੀ ਤਰਕੁ ਸਲਾਤ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੈ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਕ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਕਾਫਰ ਹੈ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਦ ਨਹੀਂ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਕਬਰ ਚ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਘੱਟ 199 ਸੱਪ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਪ ਇੱਕ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਆਕਾ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸੱਜੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਚ ਅੱਗ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕਬਰ ਚੋਂ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਉੱਠਣਗੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਗੋ ਅਸੀਂ ਬੇਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਵਮਨ ਆਰਜ਼ ਅਨ ਜ਼ਿਕਰੀ ਫਇਨ ਲਹੂ ਮਈਸ਼ਤਨ ਜ਼ਨਕਾ ਵਨਹਸ਼ੁਰੁਹੁ ਯੌਮਲ ਕਿਆਮਤੀ ਆਮਾ ਅਸੀਂ ਬੇਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਉੱਠਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਿਹਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਚੁਗਲਖੋਰ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਾਨਵਰ ਏ ਤੇ ਚੁਗਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਚੁਗਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰੋ ਉਧਰੀ ਆਪਸ ਚ ਲੜਾਉਂਦਾ
आका फरमाते ने कई बंदे कबरां चो उठणगे सिर थले ते लत्तां तां होणगियां ये सिर दे बल चल के अल्लाह दी अदालत च जाणगे। सहाबां ने महबूब जी ये सिर दे बल चल लैणगे। फरमाया जेड़ा रब पैरां दे बल चलांदा रिहा उह सिर दे बल भी चलाएगा। जदों ये जाणगे कौन लोग ने जिन्हां सिर दे बल चलना है। आका फरमाते ने मेरी उम्मत दे सूदखोर ने अज वेखो ना असी सूद नू ही कारोबार बना के बह गए। एक मेरी गल याद रख लो जेड़ा बंदा सूद का पैसा शामिल करता है सूद ऐसी लानत उहदा हलाल का पैसा भी नाल ही लै जांदा। ये मत सोचो एक रुपया सूद का खाधा ना उन्हें 36 मरतबा अपनी मां नाल ज़िना कीता। असी इहनू गुनाह ही नहीं समझ। सूद एडी भैड़ी लानत है। अल्लाह ताला इहदे को बचा के रखे। अन्ने करके उठावांगे जदों मैदाने मैशर चे जाणगे। अल्लाह अपनी अरशती कुर्सी ते बैठे ने पूरा मैदाने मैशर भर गया ते अल्लाह ने अपनी पिंडली नंगी करनी है। पिंडली दी नुरानीयत नू वेख के ना जेड़े नमाजी ने उह सजदे च डिग पैणगे ते जेड़े बेनमाज ने सजदा करना चाहणगे रब इन्हां दीआं कमरां च सरिये फिट कर देगा। ये उत्थे भी नहीं सजदा कर सकणगे जिन्हां दुनिया ही नहीं कीता। अल्लाह अल्लाह सानूं 5 टाइम दा पक्का नमाजी बना। बीबीओ तुसी भी सुन लो जेड़ी बीबी बेनमाज ना उहदे हाथ च बरकत नहीं हुंदी उहदे हाथ दे खाने च लज्जत भी नहीं हुंदी। नाले भी गल जी साडे हुण टबरां दे टब्बर ही बेनमाज ने। सवेरे फजर हुंदी है प्यो सुता रहिंदा औलाद ने मसीते के खान होना है। बाप उठेगा ते औलाद आएगी ते जिदी फजर रह गई ओ दुनिया दा बदतरीन इंसान है। जिन्ने मामूल जी ओ नहूसत है ओदे घर दे अंदर जिदी फजर रह जाए ओ नहूस इंसान। फजर की अजमत का थोन पता लग जाए ना तो आका फरमाते ने तुसी गोडिया के बल घसीट के मस्जिद चाहो जिदी सुनता की इन्नी कदर है। फरमाया दुनिया का अमीर तरीन आदमी होए जिहड़ा फजर दियां दो सुनता पढ़ता है। पूरी दुनिया की दौलत एक पलड़े च रख दे ते सुबह दियां सुनता एक पलड़े च रख दे। पूरी कायनात की सल्तनत बादशाही दौलत सुबह दियां दो सुनता का मुकाबला नहीं कर सकती। इस वास्ते मेरे भाईओ ये बेनमाज आए अल्लाह ने हुक्म देना फड़ो इन्हां नूं जहन्नम च सुट दिओ कोई माफी नहीं। बेनमाज नूं कोई माफी नहीं। पहला पेपर ही नमाज दा होना है। नमाज दे पेपर चो पास हो गया ना बंदा ते बाकी पेपरां चो थोड़े जे नंबर घट भी होणगे ना ते रब उस बंदे नूं रहमत दी चादर च लपेट के जन्नत च सुट छड़ ते जे नमाज दे पेपर चो ही फेल हो गए समझो फिर बचत को नहीं। बोली नमाजी जन्नत दे अंदर बे नमाज जहन्नम च। ये वेंदा है मेरा चाचा किधर गया मेरा भरा किधर गया मेरा वीर किधर गया उत्तो वेंदा है ते थले जहन्नम च सड़न डए ने। हुण कुरान की आंदा फी जन्नाती अतसा अलून अनिल मुजरमीन। ए बेनमाज मुजरम है ना। जन्नती सवाल करनगे मुजरमा दे कोलो मा सलाकुम फी सकर। चाचा तेनू केड़ी चीज ने जहन्नम जाज लैन दे भरा तू कि आया भाई ओ फलाने यारा तू कि आया। कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन असी दुनिया च रह के नमाजा ही नहीं सब पढ़ते। हुण नहीं हुंदा एवें कि अजान होण डई है मसीत दे अगों दी नंग जांदे ने मसीते वड़ना गुवारा ही नहीं कर। बोलो इस वास्ते मेरे भाईओ 5 टाइम दे पक्के नमाजी बन जाओ। अगर सुस्ती है ना तो उन्हें दूर कर दे। बेनमाज का अंजाम करून हमान शद्दात दे नाल होना है। जिथे उन्होंने सुटिया जाना उथे बेनमाज ने सुटिया जाना। फसऊ फैल कऊ न गईया वादिये गई दे अंदर। गई केड़ी वादी है जहनम दी सब तो डूंगी वादी जिदे अंदर जहनमिया का गंदा पीर ते रेशा जमा नहीं होना उस वादी च बेनमाजा ने सुटिया जाना। ये कहणगे पानी 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 ओ गंदा रेशा जहनमिया का गंद जिथे जमा होना है वह गंद ही इन्हों पाया जाना है।
ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਪਖਾਨੇ ਰਾਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਕਬੀਰਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਕਬੀਰਾ। ਕਿਤਾਬ ਉਲ ਕਬਾਇਰ ਚ ਇਲਾਮਾ ਜ਼ਾਹਬੀ ਨੇ ਬਾਬ ਬਣਿਆ, ਬਾਬ ਉਤਰ ਕੀ ਸਲਾਤ। ਕਬੀਰਾ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਤੋਬਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਮਲ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਦੇ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਤ ਦਾ ਸੱਚਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਬਣਾ।